Click on the bell icon to watch our latest videos. ये लोग जो राज ने राजमहल में रहने की आदत थी, सुखों की आदत थी, ये इतने साल क्या करते थे वनवास में? कहते हैं कि जब कृष्ण उनको मिलने जाते हैं और वो कहते हैं कि अभी हम क्या करेंगे, हम अभी युद्ध करना चाहिए, अभी वी वॉन्ट टू फाइट देम बैक, हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं, वी विल अटैक द कौरवाज और अपनी जबरदस्ती करके अपनी इंद्रप्रस्थ वापस छीन लेंगे, ऐसे एक आइडिया भी आता है। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, तुमने अग्री किया है, ये अग्रीमेंट किया है कि तुम 12 साल जंगल में रहोगे, 1 साल अज्ञातवास में रहोगे, तो यू हैव टू लिव दिस टाइम। तो वो कहते हैं करेंगे क्या हम? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो वन है, वन में ऋषि रहते हैं, तो तुम एक एक ऋषि को मिलते रहो और ज्ञान की प्राप्ति करो, टर्न दिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी। हमारे ग्रंथों में एक है आरण्य का, आरण्य का मतलब जो किताबें जंगल में लिखी गई थी जो ऋषि लिखते थे, तो मतलब ये सब ऋषि जो है उपनिषद कर रहे हैं, आरण्य कर रहे हैं, उनके पास जाओ, उनके साधना के बारे में सीखो, इम्प्रूव योर नॉलेज, ताकि जब तुम वापस आओगे यू विल बी बेटर किंग्स। अच्छा, तो बेसिकली ये 12 साल वो ऋषियों को मिलते रहे, तीर्थ यात्रा में जाते रहे और अलग अलग स्थान जाते रहे, जैसे पहाड़ के पास जाते थे, नदियों के पास जाते थे और ऋषि उनको ज्ञान देते थे या कोई कहानी बताते थे। अच्छा। इनफैक्ट ये जो वन पर्व है, विच इज द थर्ड चैप्टर ऑफ द महाभारत, यहाँ पे ये फॉरेस्ट, अनदर वे ऑफ सेइंग इज द फॉरेस्ट ऑफ स्टोरीज, इतनी कहानियां बताई गई है, इतनी कहानी बताई गई है, एंड दैट इज द कोर ऑफ वानप्रस्थ, कि कहानी, ज्ञान और तीर्थ यात्रा। देवलोक विद देवदत्त पटनायक सीजन 2 अब एक किताब के रूप में। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप। Ha 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 ha